नमस्कार दोस्तों, सीसी के स्लाइड रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा आप सभी अवगत हैं कि हमने आपके लिए एक विशेष श्रृंखला शुरू की हुई है और श्रृंखला का नाम है योग। मित्रों, हम बताना चाहेंगे अभी तक हम आप सभी के लिए कई लेक्चर्स आयोजित करते आए हैं इस श्रृंखला के अंतर्गत, और इन सभी लेक्चर्स को हमने आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन लेक्चर्स से ज़रूर लाभान्वित हो रहे होंगे। तो मित्रों, आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, और आज के इस सेशन में हम खास तौर पर बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, जिसे नेचुरोपैथी भी कहा जाता है। आज ये पहला सेशन है और हम उम्मीद करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपके लिए आगे भी नेचुरोपैथी पर हम आने वाले दिनों में लेक्चर्स आयोजित करें और आपको बताएं कि किस प्रकार नेचुरोपैथी लाभगर है। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योग विशेषज्ञ सोमवीर आर्या जी। सोमवीर आर्या जी योग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने कई अस्पतालों में कार्य किया है, कई शैक्षणिक संस्थानों में योग का आचार व्यवहार किया है, इसे लोकप्रिय बनाने में पूरी पूरी कोशिश की है। तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा ये क्या है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सोमवीर आर्या जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा भाग वन की चर्चा हम आज अपने व्याख्यान में करेंगे। आज प्राकृतिक चिकित्सा कितनी उपयोगी है, किस तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको दैनिक जीवन में अपनाकर किस तरह से रोगों से दूर हो सकते हैं, किस प्रकार से आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं, आदि विषयों की हम चर्चा आज के व्याख्यान में करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लाइड में देखते हैं कि पहली स्लाइड है हमारी कि प्राकृतिक चिकित्सा का परिचय, कि सामान्य परिचय क्या है प्राकृतिक चिकित्सा का, उसमें हम उसका इतिहास जानेंगे, सिद्धांत जानेंगे और उसकी उपयोगिता क्या है वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास की चर्चा करते हैं कि उसका इतिहास क्या है। तो पाश्चात्य इतिहास की चर्चा करते हैं कि पाश्चात्य जीवन शैली में किस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया गया है, किस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा को मान्यता मिली है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में पाश्चात्य विद्वान जो रहे हैं, सर्जन फ्लायर जिनमें सबसे प्रमुख नाम है, जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को आरंभ किया है, उसके बाद रिकली जी हैं, उसके बाद एडोल्फ जूस्ट हैं और उसके बाद लुई कुने, कुछ नाम प्रमुख हैं जो कि प्राकृतिक चिकित्सक हुए हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्राकृतिक चिकित्सा को एक ऊँचे मुकाम पर पहुँचाने का कार्य किया है। तो उसके बाद भारतीय साहित्य में, भारतीय जीवन में, पद्धति में किन लोगों ने किस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा को एक ऊंचाइयों के ऊपर लेके गए, तो उनमें सबसे पहला यदि नाम आता है तो वो महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सबसे पहला नाम आता है। उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में इसको प्रसारित किया। वह पूरे देश में जितने भी आज प्राकृतिक चिकित्सालय खुले हुए हैं या प्राकृतिक चिकित्सा को जिस तरह से सरकार ने मान्यता प्रदान की है, उसको एक कोर्स के रूप में डेवलप किया है, वो सारा यदि हम किसी की देन मानते हैं तो वो केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की देन है। उन्होंने उरली में सबसे पहले 1946 में पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला था, जो कि आज भी निरंतर लोगों की सेवा में निरंतर जारी है। उसके बाद हम सिद्धांत की बात करते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा है, जो नेचुरोपैथी है, उसका जो सिद्धांत क्या है, वो किस सिद्धांत के ऊपर जो चिकित्सा आधारित है, वो किस सिद्धांत को उन्होंने मान्यता दी है, किस सिद्धांत के ऊपर उसकी चिकित्सा पद्धति आधारित है, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो मुख्य रूप से प्राकृतिक चिकित्सा में 10 सिद्धांत मुख्य रूप से बताए गए हैं, और उन 10 सिद्धांतों के ऊपर ही जो पूरी चिकित्सा पद्धति है वो उसका कार्य किया जाता है। उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है कि जो सभी रोग हैं वो एक हैं, उनके कारण भी एक है और उनका निदान भी एक ही होगा। यानी कि जब कोई कारण रोग है, सभी रोगों को एक माना है प्राकृतिक चिकित्सा ने, और उसके बाद उनका कारण भी एक माना है, यानी कि विजातीय तत्वों को उन्होंने उसका कारण माना है, वो कारण एक है तो उसकी चिकित्सा भी एक ही होगी। इस प्रकार का जो पहला सिद्धांत है वो प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि सभी रोग एक हैं, उनकी कारण भी एक हैं और उनकी चिकित्सा भी इसी प्रकार से एक होगी। उसके बाद सबसे पहले माना कि जो एलोपैथी है, हमारा जो एलोपैथी है वो मानता है कि रोग का कारण क्या है, कीटाणु। लेकिन नेचुरोपैथी क्या मानती है कि रोग का कारण कीटाणु नहीं है, रोग का कारण क्या है, रोग का कारण
विजातीय तत्वों की शरीर में अधिकता ही रोग का कारण है, जिसके कारण कीटाणु पनपते हैं। तो नेचुरोपैथी बिल्कुल बेस है, बिल्कुल आधार है, यानी कि जिस एलोपैथी चिकित्सा में कीटाणुओं को ही रोग का आधार माना जाता है, प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि उस रोग के कीटाणुओं को पनपने के लिए, उनको उपलब्ध होने के लिए जिस मेटीरियल से वो उपलब्ध होते हैं, जिस कारण से वो उपलब्ध होते हैं, जिस कारण से उनकी मात्रा शरीर में बढ़ती है, वो कारण ही मुख्य होता है। उसके अलावा नेचुरोपैथी कहती है कि जो तीव्र रोग हैं, जैसे उल्टी है, दस्त है, बुखार है, जुखाम है, खांसी आदि जो चीज़ें हैं, वो जो रोग हैं वो शत्रु रोग नहीं हैं, वो मित्र रोग हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर के विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, यानी कि बॉडी क्लिंजिंग प्रोसेस वो कर रहे हैं। किसी चीज़ की हमारे शरीर में अधिकता है और उस विजातीय तत्व को बुखार से, उल्टी से, दस्त से, जुखाम से, खांसी से, इत्यादि जो तीव्र रोग हैं, जो फास्ट जो डिजीज़ हैं, जो एकदम से हमारे शरीर में प्रवेश करके करती हैं, उनके माध्यम से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, प्राकृतिक चिकित्सा का ऐसा मानना है। उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि प्रकृति स्वयं में एक चिकित्सक है, अर्थात जो डॉक्टर का काम करती है प्रकृति, प्रकृति स्वयं हील करती है, क्योंकि पंचभूतों से हमारा शरीर बना है और इन पंचभूतों से ही हमारा जो शरीर का निर्माण है, वो पंचभूत ही प्रकृति में है और वो प्रकृति ही स्वयं अपने अनुसार रोगों का निदान करती है। तो प्राकृतिक जो चिकित्सा है वो स्वयं में एक चिकित्सक के रूप में है। उसके बाद चिकित्सा रोग की नहीं करते, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में पूरे शरीर की चिकित्सा होती है, वरन एक रोग की चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा में नहीं होती, पूरे शरीर की चिकित्सा की जाती है, एक रोग की चिकित्सा उसमें नहीं की जाती। उसके बाद रोग निदान की विशेष आवश्यकता नेचुरोपैथी कहती कि नहीं है, यानी कि रोग के निदान की आवश्यकता नहीं है, केवल विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता नेचुरोपैथी मानता है। उसके बाद कहता है कि जो जीर्ण रोग हैं, यानी कि जो बहुत पुराने रोग हैं, जो बहुत असाध्य रोग हैं और बहुत लंबे समय से हमारे शरीर में विद्यमान हैं, उनको दूर करने के लिए, उनको दूर होने में समय लगता है, इसलिए धैर्य की नितांत आवश्यकता आपको प्राकृतिक चिकित्सा में है। उसके बाद कहते हैं कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें जो दबे हुए रोग हैं वो उभरते हैं। मैं किसी तरह का अपना प्राकृतिक चिकित्सा का यदि मैं इलाज ले रहा हूँ, यदि मैं चिकित्सा पद्धति अपना रहा हूँ, तो बहुत सारे रोग जो मेरे दबे हुए हैं वो उभर सकते हैं, तो उसे घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वो रोग उभरेंगे और उभर के वो समाप्त हो जाएंगे, तो उनसे किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नेचुरोपैथी में नहीं है। और नौवां सिद्धांत कहता है कि मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा जो है वो इसमें की जाती है, केवल शरीर की, केवल मन की नहीं, वरन आत्मा की भी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा में की जाती है। और दसवां जो सिद्धांत प्राकृतिक चिकित्सा का है वो है कि जो औषधियां हैं, जो दवाइयां हैं, जो तीव्र जो दवाइयां हैं, जो औषधियां हैं, जो शरीर पे बुरा प्रभाव डालती हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि जब भी प्राकृतिक चिकित्सा चलती है उस समय किसी प्रकार का आप औषधि का प्रयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल उसमें निषेध उनको बताया गया है। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास पाश्चात्य और भारतीय उसके हिसाब से जाना, लेकिन यहाँ हम चर्चा करना चाहेंगे कि जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो इतिहास है, प्राकृतिक चिकित्सा का जो इतिहास है वो कितना पुराना है। ये तो हमने बताया कि कुछ पाश्चात्य जो विद्वान रहे हैं, कुछ डॉक्टर रहे हैं, उन्होंने इसकी इनको ईजाद किया है, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी विधियां उन्होंने ईजाद की हैं, और कुछ भारतीय जो विद्वान हैं उन्होंने भी इसका प्रचार प्रसार किया है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा कितनी पुरानी है इसके विषय में यदि बात किया जाए, तो जितनी प्रकृति स्वयं है पुरानी है, उतनी ही ये नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा उतनी ही पुरानी कही जाएगी, क्योंकि पंचभूतों से इस सृष्टि का निर्माण है, पांच भूतों से इस सृष्टि का निर्माण है, और हमारे शरीर का जो निर्माण है वो भी इन पांच तत्वों से है, तो वो पांचों तत्व और जो सृष्टि के जो पांच भूत हैं वो समान हैं। तो जब से हमारी सृष्टि का निर्माण है तब से हम प्राकृतिक चिकित्सा का उद्भव मानेंगे, तो उसका उद्गम भी उसी समय का हम मानेंगे। तो भारतीय जो इतिहास है, प्राकृतिक चिकित्सा का, तो उनमें सबसे पहले महात्मा गांधी जी का नाम आता है, उसके बाद विनोबा भावे जी ने उनको बहुत प्रचार प्रसार किया, उसके बाद आधुनिक युग में अब भी देखें हम तो विट्ठल दास मोदी जी ने बहुत अच्छा प्राकृतिक चिकित्सा में काम किया है, और डॉक्टर ओमकार नाथ जी हैं जिन्होंने काफ़ी प्राकृतिक चिकित्सा में
कार्य किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि उपयोगिता क्या है, किसी वस्तु को, किसी चीज को, किसी पद्धति को हम कब अपनाते हैं, जब उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में हो। तो हमारे जीवन में कितनी उपयोगिता है, कितनी सारगर्भिता प्राकृतिक चिकित्सा की है, उस विषय में यदि हम दृष्टि डालते हैं तो हमें पता चलता है कि प्राकृतिक चिकित्सा एक सबसे सस्ती, सबसे इफेक्टिव और सबसे जो एक बेस पे काम करती है, यानी कि विजातीय तत्वों को दूर करने का जो कार्य है, यानी कि कीटाणुओं के पनपने का जो कारण है वो है विजातीय तत्व, और उस विजातीय तत्व को ख़त्म करने का जो कार्य जो चिकित्सा पद्धति करती है उसको बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। तो ये सबसे उपयोगी चिकित्सा है, सबसे सस्ती चिकित्सा है। और आप देखेंगे कि बहुत पुराने समय में बहुत सारे हम जो गाँव के, जो देहात के भी जो लोग होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी प्राकृतिक चिकित्सा को बहुत फॉलो करते हैं। वरन उनको पता नहीं कि ये आप प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास होता है, जैसे कोई भी चोट लग जाती है, किसी बिच्छू ने आपको काट लिया, उंगली पे बिच्छू ने काट लिया, तो गीली मिट्टी लगाएंगे जल्दी से उसके ऊपर, वो गीली मिट्टी उस दर्द को ख़त्म करेगी, क्योंकि मिट्टी में है धैर्य और मिट्टी में जो गुण है वो दर्द को खींचने का जो गुण है वो सबसे ज़्यादा विद्यमान है। दर्द को खींचेगी, जख्म को कम सही से करेगी। तो हमारे दैनिक प्रयोग में, दैनिक प्रयोगों में ही हमारी नेचुरोपैथी है, प्राकृतिक चिकित्सा हमारे दैनिक रूटीन में, यानी दैनिक जीवन में, दैनिक क्रियाकलापों में हमारा बहुत पहले से प्रयोग आती होती आ रही है। तो इसलिए इसकी उपयोगिता और भी महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार से बाहर से इसको अडॉप्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका कोई उपकरण ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा महंगा हो या आप उसको खरीद ना पाएं। घर में ही हमारे वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जिससे हम प्राकृतिक चिकित्सा को आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी स्लाइड में देखेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा किन किन विधियों द्वारा की जाती है। तो उसमें दूसरी स्लाइड में तो प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां इसमें हमने बताई हैं। तो सबसे पहले जल तत्व चिकित्सा की हम बात करेंगे, उसके बाद पृथ्वी तत्व चिकित्सा की हम बात करेंगे, उसके बाद आकाश तत्व चिकित्सा की हम बात करेंगे, और अग्नि तत्व चिकित्सा व वायु तत्व चिकित्सा, यानी कि पांचों जो तत्व हैं जिनसे हमारे शरीर और सृष्टि का निर्माण है, उन तत्वों का हम वर्णन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले वर्णन करेंगे जल तत्व चिकित्सा का। तो जल तत्व चिकित्सा में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि सबसे पहले कटिस्नान यानी कि हिप बाथ, दूसरा पीठ या रीढ़ स्नान, तीसरा शीर्ष स्नान, चौथा भीगी पट्टियां और लपेट, चौथा मेहन स्नान और पांचवा नेत्र स्नान। ये कुछ मुख्य रूप से हमने इसमें स्नानों का यानी कि जल तत्व चिकित्सा का कुछ जो मुख्य और जो बहुत उपयोगी और जो बहुत फेमस जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जिनको बहुत आसानी से भी हम कर सकते हैं, उनका वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले कटि स्नान को हम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि कटि स्नान यानी कि हिप बाथ, इस कटि स्नान की बहुत ही उपयोगिता हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में पाई जाती है। तो आप जो जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक ऐसा टब होता है जिसमें आपका नाभि तक का जो शरीर होता है बैठने के बाद वो पानी में डूब जाए, और इतना ही पानी आप भरें, और पानी किस तरह का हो, वो मटके का पानी यानी कि जो मटके में जो नॉर्मल पानी होता है, जो सामान्य जो टेम्परेचर का पानी होता है, उस टेम्परेचर का पानी आप उसमें इसमें टब में भर सकते हैं। और वो आपने देखा कि पीछे सिर लग सकता है, और आगे जो आपके पैर हैं वो किसी तिपाई या चौपाई पे आप रख सकते हैं जो कि सूखे रहें, और बिल्कुल आप इसमें नग्न होके आप इसमें बैठ सकते हैं। और कोई भी कपड़ा यानी सूती या खादी का कोई कपड़ा जो कि 4 से 6 तय है आप बना के उसको अपने पास रखें, और जो हमारा जो उदर प्रदेश होता है यानी कि हमारा जो पेट है उसके ऊपर घर्षण करना होता है, जैसा कि चित्र में आप देखेंगे कि एक चिकित्सक उनको लेटा के, और चिकित्सक भी उसकी मदद कर सकता है और पेट के ऊपर घर्षण करने से, उससे पेट का जो है कि सारे रोगों की जड़ क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा मानता है कि सारे रोगों की जड़ पेट से उत्पन्न होता है, सारे रोग पेट से उत्पन्न होते हैं। तो पेट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है, उधर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राकृतिक चिकित्सा में दी गई है। तो उसको यदि हम बार बार रगड़ते हैं तो वो उससे हमारा जो पेट है उसमें गर्मी, उसकी जो गर्मी होती है वो बाहर निकलती है, और उसमें पानी अपना नेचुरल जो गुण होता है, वो जो ठंडक जो होती है, जो शीतलता होती है, वो उसके अंदर प्रविष्ट करता है, और जो रोग हो तो जो होता है मल होता है उसका विसर्जन इस चिकित्सा द्वारा होता है। तो इस चिकित्सा में सावधानियां रखने की बहुत आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से आप, कितना समय आप इसको करें। तो आप इसको 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक
आप इसको कर सकते हैं। और विशेष प्रकार की व्याधि यदि आपके शरीर में है, विशेष प्रकार का रोग आपके शरीर में है, तो आप इसको धीरे धीरे किसी अच्छे चिकित्सक की देखरेख में आप 20 मिनट तक इसको कर सकते हैं। और इसको करने के बाद जैसे आप वैसे ही पंखे के नीचे ना चले जाएं, बहुत ठंडे कमरे में आप ना चले जाएं, इसके बाद आपको बहुत अच्छा खुले से कपड़े पहन के कुछ योगासन वगैरह आपको करने होते हैं ताकि आपकी बॉडी में बॉडी का टेम्परेचर बढ़े, और उसके बाद फिर उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद आप स्नान कर सकते हैं, तो तुरंत इसमें स्नान नहीं करेंगे। इसी कटी स्नान में ही आप दूसरा काम कर सकते हैं, जैसे कि ये ठंडे जल से है, एक गर्म जल से भी कटी स्नान किया जा सकता है, तो वो आपके समस्त पेट के रोगों को, समस्त उदर रोगों को समाप्त करने का कार्य कटी प्रदेश करता है, और आपकी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ जो है वो भी इससे मजबूत बनती है। तो कटी स्नान बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी है। कटी स्नान जब आप करते हो तो जैसे जो कब्ज जो है, कब्ज आपकी समाप्त होती है, पेट के समस्त रोग आपके समाप्त होते हैं। और कहते हैं कॉन्स्टिपेशन इज द मेन कॉजेज ऑफ ऑल डिजीज, तो सारे रोगों की जो जड़ है वो है कब्ज। तो आपके पेट की जो आंतें होती हैं वो सबल होती हैं, दोनों आंतों के ऊपर आप घर्षण करते हैं ऐसे कपड़े से, और पानी से जब घर्षण आप करते हैं तो वो आपकी आंतें मजबूत होती हैं, सबल होती हैं, वो उनकी जो डाइजेस्टिव जो पावर है, जो उनकी पाचन शक्ति है वो बढ़ती है उससे। तो कटी स्नान आप करेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ आपको मिलेगा, बहुत सारे फायदे आप महसूस करेंगे। तो इसलिए आप कटी स्नान को बहुत प्रमुखता से करें और बहुत सावधानी से करें। इसमें समय की आप को निर्धारित करेंगे, इसके बाद आप उसके बाद व्यायाम को आप निर्धारित करेंगे। एकदम से उठ के आप कुछ खाएंगे नहीं, 2 घंटे पहले आपको कुछ खाना चाहिए, 2 या उसके 1 घंटे बाद आप कुछ खा सकते हैं। तो इस प्रकार की सावधानी भी आप इसमें रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जल तत्व चिकित्सा में ही, नेक्स्ट स्लाइड में पीठ या रीढ़ स्नान हम देखते हैं। तो आप जैसा चित्र में देख पा रहे हैं, पीठ या रीढ़ स्नान 2 तरह से होता है। चित्र संख्या 1 में आप देखेंगे कि एक ऐसा ही जैसा हमारा कटी स्नान में जो टब था उससे थोड़ा सा छोटा टब हम रखते हैं, और ऐसा टब होता है जिसमें पूरी कमर हमारी ऐसे लेट जाते हैं, पूरी कमर हमारी भीगती है, तो इसमें पानी इतना ही भरते हैं जिससे हमारी पूरी कमर भीग जाए, और वो कमर भीगने से वो पानी जो ठंडा पानी होता है वो कमर में ही लगेगा। तो आपकी जो रीढ़ है, जो आपकी जो पीठ है, उसकी चिकित्सा इस द्वारा की जा सकती है। और दूसरे चित्र संख्या 2 में आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वो है पीठ और रीढ़ स्नान की, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसके द्वारा भी आपको सेम जो उसको लाभ आपको मिलता है। तो इस प्रकार आप पीठ स्नान कर सकते हैं, रीढ़ स्नान करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि एक और चित्र संख्या 3 को हम देखेंगे कि इसमें ऊपर से शावर टाइप जैसे होता, शावर से आती हैं, तो बहुत सारे शावर हमारे ऊपर लगे होते हैं और हम मूधे इसमें लेट के इस चिकित्सा को लेते हैं, और ऊपर से बिल्कुल पीठ के ऊपर पानी की बौछारें पड़ती हैं, जिससे भी इसको हम पीठ या रीढ़ स्नान कहते हैं। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि इस पीठ और रीढ़ स्नान से आप हमारे शरीर में क्या लाभ मिलते हैं। तो पीठ की जैसे अकड़न होती है, जकड़न होती है, किसी प्रकार का दर्द आपको पीठ में रहता है या स्टिफनेस आपको आपके पीठ में महसूस होती है, तो वो सारे जो रोग हैं, पीठ के जितने भी रोग हैं, कमर के जितने भी आपके रोग हैं, वो समस्त रोगों को समाप्त करने का काम ये पीठ या रीढ़ स्नान आपका करता है। तो इसको बहुत प्रमुखता से करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल आप दोनों तरह से इसको कर सकते हैं, गर्म पानी से भी पीठ स्नान कर सकते हैं, ठंडे पानी से भी आप पीठ स्नान कर सकते हैं, और ठंडे और गर्म दोनों से भी आप पीठ स्नान कर सकते हैं। इसका अच्छे चिकित्सक की देखरेख में आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो समस्त पीठ के रोगों को आप समाप्त कर सकते हैं और समस्त उसकी स्टिफनेस को, जकड़न अकड़न को आप समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सिर स्नान की। सिर स्नान कैसे किया जाए कि हमारा जो सिर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और पूरा बुद्धि, पूरा मस्तिष्क, पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो पूरा इसके माध्यम से संचालित तो होता है। तो सिर का जो स्नान है वो किस प्रकार किया जाए, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि निरंतर 5 से 10 मिनट तक आप ठंडे पानी की धार अपने सिर पर लगाएंगे, और वो धीरे धीरे से अपने बालों में ऐसे ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से उसको आप मसलते रहेंगे और वो पानी ऊपर से गिरता रहेगा। तो इस प्रकार से आप सिर को धो सकते हैं। जैसे सिर महिलाएं भी हमारे पुराने समय में की जितने भी महिलाएं हैं वो भी सिर को इसी प्रकार धोती हैं कि आप एक ऊपर से टब से पानी डालते रहें
और वो ठंडा पानी की धार एकदम से बनाते रहें और वो पूरे शरीर में ऐसे ऐसे सिर में ऐसे ऐसे उंगलियों से अंगूठे से वो हल्की हल्की जो मसाज होती है उस तरह से आप कर सकते हैं। इससे समस्त आपके बालों के जितने भी रोग हैं वो आपके समाप्त होते हैं। आपके बालों का झड़ना, आपके बालों का टूटना, आपके बालों का असमय पर सफ़ेद होना इत्यादि, आपको डेंड्रफ होना, रूसी होना, ये जितने भी प्रकार के रोग हैं वो आपके बालों के समाप्त होते हैं। ऊपर से आपका मस्तिष्क जो है वो बहुत शांत होता है और मस्तिष्क के आपको रोग बिल्कुल भी नहीं होते और आपका जो आपकी जो बुद्धि है बुद्धि का भी विकास इसमें किया जाता है साथ के साथ। तो आगे हम चर्चा करेंगे सिर स्नान के बाद भीगी पट्टियाँ और लपेट, अर्थात भीगी पट्टियाँ और लपेट का अर्थ है कि अपने शरीर के ऊपर पट्टियाँ हम लपेटते हैं तो भीगी पट्टियाँ उनका नाम हम कहेंगे। तो वो दो तरह से हमारा होता है, जैसे चित्र संख्या चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक रोगी को फोल्डिंग पे लेटा के उसके ऊपर एक कपड़ा डाल के उसके ऊपर हम उसको गीली पट्टी या गीली चादर से, जिसको हम कहें सूती या फिर खादी की बनी हुई जो पट्टी चादर है उसमें हम उसको उसका शरीर को पूरे तरह से लपेट देते हैं। और उसके शरीर को लपेटने से वो दो तरह से लपेटा जाएगा, या तो फिर आप ठंडी लपेट कर सकते हैं या फिर आप गर्म लपेट कर सकते हैं। ठंडी लपेट में आप सूती वस्त्र को, गीले सूती वस्त्र को जो अच्छी तरह से भीगा हुआ हो, अच्छी तरह से उस पानी उसके अंदर समाया हुआ हो, उस पट्टी को आप उसके शरीर के ऊपर लपेट सकते हैं। और सिर के ऊपर भी आप निरंतर उसके ठंडा पानी डालते रहें कि जैसे आप देख पा रहे हैं जो एक चिकित्सक वहाँ पे मौजूद है और वो चिकित्सक उसके सिर पर टब से पानी डाल रही है ताकि उसका टेम्परेचर, सिर का भी टेम्परेचर उसका सामान्य रहे। तो इस प्रकार हम जब 10 से 15 मिनट में जब हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, जो गर्मी होती है उस पानी को सोख लेती है, उसके तुरंत बाद या तो चिकित्सक उस चादर को खोल के दूसरी चादर बांधे या फिर उसी चादर पर धीरे धीरे से उसको गीला करता रहे धीरे धीरे। तो गीला करते रहेंगे तो पूरे शरीर की जो गर्मी होती है, सूजन होती है, जो पीड़ा होती है, जो जलन होती है, उसको समाप्त करने का काम आपकी गर्म ये ठंडी पट्टी करती है। इसी प्रकार इसी लपेट में आप गर्म पट्टी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और गर्म पट्टी का जो प्रयोग है वो कैसे किया जाए, आप सामान्य जो पट्टी है जिसको आपने ठंडी पट्टी का नाम दिया है उसी पट्टी को आप बगैर भिगोए पानी में भिगोए आप उसको रोगी के शरीर पर लपेट सकते हैं। उसको थोड़ा सा हल्का आप भिगो सकते हैं, बिल्कुल नामात्र का आप भिगोएं उसको, और उसके ऊपर ठीक उसके ऊपर ऊनी वस्त्र की कोई चादर है, ऊनी वस्त्र कोई है तो उससे पूरे शरीर को आप कवर रोगी का करेंगे ताकि वो गर्मी उसके अंदर बनी रहे। तो इस प्रकार की जो लपेट है, जो पट्टियाँ हैं, उसको हम कहेंगे गर्म पट्टी, यानी कि गर्म लपेट हम उसको कहेंगे। तो इस प्रकार वो भी बहुत अनेक रोगों में हमारे शरीर को, हमारे अनेक रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है और अनेक रोगों को भगाने का कार्य वो हमारा करती है। तो इस प्रकार से, और इसके अलावा इसके अतिरिक्त भी पट्टियाँ हैं, जैसे सिर की पट्टी होती है, सिर पे हम पट्टी रख सकते हैं, ठंडी पट्टी हम रखेंगे। जैसे बुखार हमारे शरीर में यदि आता है और हमारे शरीर में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, बहुत हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो उस समय पे हम सिर पे अपने ठंडी पट्टी रखते हैं, ठंडे पानी की पट्टी को रखते हैं ताकि वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को सामान्य कर सके। और इसी प्रकार यदि हमारे को ठंड दे के यदि बुखार चढ़ता है, बहुत हमारा शरीर में बहुत टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाता है, उस समय हम सिर पर गर्म पानी की पट्टी हम रख सकते हैं। उसी प्रकार हम छाती पे, छाती की पट्टी अलग से आती है, घुटने की पट्टी होती है, उसी प्रकार पीठ की पट्टी होती है, तो इसी प्रकार पूरे शरीर का कंधे की भीगी पट्टी हो सकती है। तो अनेक रोगों में अनेक प्रकार से उस भीगी पट्टियाँ और लपेट का प्रयोग हम कर सकते हैं, जिससे हम जो पर्टिकुलर जो पार्ट है हमारे बॉडी का या पर्टिकुलर जो रोग है उसको हम समाप्त कर सकते हैं, उसको हम सही कर सकते हैं केवल और केवल भीगी पट्टी और लपेट द्वारा। तो आगे हम चर्चा करेंगे जल चिकित्सा में ही मेहन स्नान। मेहन स्नान बहुत प्रमुख स्नान है, ये स्नान महिला और पुरुष दोनों के लिए है। और इसमें सबसे मुख्य जो बात है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि जो हमारे आंतरिक जो अंग हैं, जो हमारे गुप्त अंग जो हैं, उनको, उनकी चिकित्सा को हम मेहन स्नान का नाम प्राकृतिक चिकित्सा में दिया गया है कि जो हमारे गुप्त अंग जो हैं उनकी, उनको साफ करना, उनको सही से धोना ही
प्राकृतिक चिकित्सा में मेहन स्नान दर्शाया गया है, तो वो कैसे किस प्रकार हम करेंगे, तो महिला और पुरुष दोनों ही समान रूप से इस चिकित्सा पद्धति को अपनाकर अपने समस्त गुप्त रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, समस्त गुप्त रोगों से निजात पा सकते हैं, समस्त गुप्त रोगों को खत्म कर सकते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितनी भी डिजीज होती हैं वो सभी आप समाप्त कर सकते हैं, उनकी सभी की समाप्ति आपकी मेहन स्नान से हो सकती है। तो मेहन स्नान को आप ऐसे ही करेंगे, मेहन स्नान को करते हुए सबसे पहले आप किसी ऐसे ही टब में, छोटे से टब में आप नग्न होकर बैठ सकते हैं, और उसके बाद आप ऐसा ही कोई कपड़ा लेके, सूती कपड़ा या कोई खादी का जो कपड़ा है उसकी ऐसे फोल्ड करके उसको 4 से 6 तह उसकी बनाकर आप उसको ठंडे पानी से भिगोकर अपने जो गुप्त अंग हैं उनको साफ करेंगे, उनको धोएंगे। तो इसी प्रकार महिला और इसी प्रकार पुरुष यदि अपने जननेंद्रिय अंगों को साफ करता है तो उसको मेहन स्नान का नाम दिया गया है। और मेहन स्नान यदि हम करते हैं तो हमारे समस्त जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी गुप्त रोग जितने भी होते हैं वो हमारे समाप्त हो जाते हैं। इसमें सावधानी रखने की जो सबसे प्रमुख जो बात है, जो महिलाओं के लिए है, जो डेट्स का टाइम जो उनका होता है, तो उस समय पर आप मेहन स्नान को ना करें, उसमें अवॉइड करें, तो ये आप इस तरह से आप उसको चिकित्सा पद्धति का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप समस्त जो गुप्त रोग हैं, समस्त जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आपके जो डिजीज हैं उनको आप समाप्त कर सकते हैं मेहन स्नान से। इसके बाद हम चर्चा करेंगे नेत्र स्नान की, कि आंखों का स्नान किस प्रकार किया जाए, चक्षु स्नान भी हम इसको कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं, एक पोर्ट आप देख रहे हैं, एक जो प्लास्टिक का जो बना एक आप जार आप सामने देख रहे हैं, जिसके माध्यम से जिसमें पानी भर के, साफ पानी, किस प्रकार का पानी, जो पानी हम पीने में प्रयोग करते हैं उस प्रकार का जो पानी है वो उस पॉट में भरेंगे, और उस पॉट में जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं अपनी एक आंख को उसके अंदर डाल के उसको खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, आँख को बार बार खोलेंगे बंद करेंगे, तो इस प्रकार उस पानी को आप निकाल के दूसरे पानी को भर के ऐसे ही इसी प्रकार आप दूसरी आँख को इसे साफ कर सकते हैं। तो उसको हम चक्षु स्नान या नेत्र स्नान हम इसको कहेंगे। तो इसे समस्त प्रकार के जितने आँखों के रोग हैं, आपको कम दिखता है या आपकी आँखों में लाली ज़्यादा रहती है या आपकी आँखों में कड़ापन रहता है या आप किसी प्रकार का रोग आपको आँखों का है वो आपका सही होगा, क्योंकि शरीर जो पानी का जो काम है, जो जल तत्व जो है वो यूनिवर्सल शुद्धि करता है, यानी कि पूरे पर्यावरण की शुद्धि करते हैं। तो हम पेड़ पौधे लगाते हैं, मन की शुद्धि करनी होती है तो हम सत्य बोलते हैं, यदि हमारे को बुद्धि की शुद्धि करनी है, आत्मा की शुद्धि करनी है तो हम क्या करेंगे, अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छी ज्ञान की जो पुस्तकें हैं, जो धार्मिक जो शास्त्र हैं उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन यदि शरीर की शुद्धि करनी है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जल तत्व को प्रमुखता से बताया गया, यानी कि शरीर की शुद्धि के लिए सबसे उपयोगी जो कारक है वो क्या है, पानी यानी कि जल। तो जल तत्व चिकित्सा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका लाभ उठाकर हम दैनिक जीवन में अनेकों रोगों से हम बच सकते हैं। तो अभी हमने चर्चा की, सबसे पहले इस व्याख्यान में हमने चर्चा की कि प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास क्या है। तो इतिहास वही है जो हमारा सबसे पहले प्रकृति के आरंभ से ही हमारा इसका इतिहास हम मानते हैं। इसके बाद हमने 10 सिद्धांतों की चर्चा की, इसके बाद हमने उसकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में इसकी हमने चर्चा की, उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा की जो विधियां हैं, जैसे जल तत्व चिकित्सा है, वायु तत्व चिकित्सा है, मिट्टी चिकित्सा है, आकाश चिकित्सा है, इस प्रकार हमने इन सभी चिकित्साओं का हमने वर्णन किया कि इस प्रकार की 5 चिकित्सा पद्धतियाँ प्रमुख रूप से प्राकृतिक चिकित्सा में अपनाई जाती हैं। इसके बाद हमने सबसे जो प्रमुख जो चिकित्सा है जल तत्व चिकित्सा का हमने इसमें वर्णन किया। जल तत्व चिकित्सा में हमने कटी स्नान, रीढ़ स्नान, सिर स्नान, भीगी पट्टियाँ और लपेट, मेहन स्नान और हमने नेत्र स्नान की हमने इसमें चर्चा की। और अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे पृथ्वी चिकित्सा और आकाश चिकित्सा की हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। I'm gonna go to the bathroom.
प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है प्राकृतिक चिकित्सा के इस व्याख्यान में। हमने पहले व्याख्यान में हमने चर्चा की प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास की, और उसके बाद हमने जल तत्व चिकित्सा की हमने इस व्याख्यान में बात की। अब हम चर्चा करेंगे पृथ्वी तत्व चिकित्सा की। तो स्लाइड में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, चौथी स्लाइड में हम देखते हैं कि पृथ्वी तत्व चिकित्सा के भीतर हम कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियों को रखते हैं, किस प्रकार की चिकित्सा पद्धतियाँ होती हैं। तो सबसे पहले मिट्टी चिकित्सा, उसके बाद मिट्टी की पट्टियाँ, उसके बाद पंख स्नान की हम चर्चा यहाँ पर मुख्य रूप से करेंगे। वैसे तो बहुत सारी विधियाँ मिट्टी चिकित्सा में होती हैं, परंतु हम यहाँ तीन का मुख्य रूप से वर्णन हम करेंगे। तो सबसे पहले मिट्टी चिकित्सा का हम जानते कि मिट्टी है क्या। मिट्टी का जो गुण है वो शीतलता है, और सबसे प्रमुख जो बात है धैर्य, यानी कि धारण करने की जो क्षमता होती है, जो धैर्यशील जो होती है, वो सबसे प्रमुख मिट्टी ही होती है। और मिट्टी में अनेक चिकित्सीय गुण भरे पड़े हैं, तो इससे भी हम अपनी मिट्टी के सहारे, मिट्टी का प्रयोग करके, और किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए आदि की हम चर्चा इस व्याख्यान में करेंगे कि किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग हम करें, किस प्रकार के रोग में हम मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं और अपने शरीर को सही कर सकते हैं। तो मिट्टी चिकित्सा में हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे आप देख पा रहे हैं मिट्टी चिकित्सा में कि एक व्यक्ति को पूरे गड्ढा खोद कर उसको पूरा जमीन में गाड़ के उसको पूरा का सिर बाहर, केवल मुंह उसका बाहर रहता है, और मुंह पे भी जो गीली जो मिट्टी है, गीली जो मृदा है, उसको हम लगाते हैं। तो इस प्रकार से भी मिट्टी चिकित्सा की जाती है, और ये मिट्टी चिकित्सा आपको संपूर्ण शरीर में रोगों का विनाश करती है, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक तंत्र को बढ़ाती है, और आपके शरीर को एक नेचुरली, मतलब एक प्राकृतिक रूप से आप समृद्ध बनाने का कार्य ये चिकित्सा करती है। इस प्रकार आप एक जमीन में जो कि बहुत ही अच्छी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, किसी प्रकार का खाद, किसी प्रकार का केमिकल उसमें ना डला हो, इस प्रकार की मिट्टी में आप एक गड्ढा खोदकर व्यक्ति को पूरा उसमें नग्न अवस्था में आप उसको नीचे खड़ा करके उसके ऊपर से मिट्टी को भर के, और बाहर जो उसका जो चेहरा बचता है, आंखों को छोड़कर और मुंह को छोड़कर और नाक को छोड़कर उसके पूरे आप लेप ऐसा लगा देते हैं, तो वो पूरी जो मिट्टी है वो पूरे अपने गुण उसके शरीर में भरती है, वो पूरे तरह से उसके जो विजातीय तत्व हैं उनको खींचने का जो कार्य है वो मिट्टी है, मिट्टी करती है, और धीरे धीरे वो उसके सारे विजातीय तत्वों को खींचने का काम मिट्टी चिकित्सा करती है। और संपूर्ण शरीर के, इस तरह से यदि आप चिकित्सा करेंगे तो पूर्ण शरीर के रोगों को हरने का जो कार्य है वो मिट्टी करती है। इसके बाद मिट्टी चिकित्सा में दूसरा चित्र हम देखते हैं, वो है मिट्टी की पट्टी। तो मिट्टी की जो पट्टी है, जिसको हम मड पैक भी कहते हैं, वो उसका जो मिट्टी का जो भाग है उसको गीली करके उसको इस प्रकार से मुलायम बनाया जाता है कि वो हमारे पेट के ऊपर टिकी रहे, वो बहके भी ना चले और वो ज़्यादा ठोस भी ना हो। तो इस प्रकार से, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, मिट्टी को गीला करके पानी में उसका लेप बना के इस प्रकार से पूरे पेट के ऊपर उसको कवर कर दिया जाता है। तो पेट के ऊपर उसको कवर करने से वो पूरे जो पेट के जितने भी रोग हैं, समस्त जो उदर रोग हैं, उनको समाप्त करने का कार्य करती है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को आपका स्ट्रॉन्ग करती है। और ये जो आप देख रहे हैं मिट्टी की जो पट्टी है, वो गीले पानी, वो ठंडे पानी में उसको भिगो के और उसको करते हैं, तो इससे आपके जो शरीर की जो गर्मी है, जो उमस है, जो अत्यधिकता, जो टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ आपके शरीर का है, उसको समाप्त करने का कार्य करती है, और अपने मिट्टी अपने जो चिकित्सीय गुण हैं वो इसके अंदर छोड़ती है। और इसके बाद आप तुरंत या 15 से 20 या 25 मिनट के बाद आप इस पट्टी को हटाएंगे, तब आप देखेंगे कि मिट्टी जो है वो पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। तो उसके बाद आप तुरंत दूसरा मड पैक आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार 15 से 30 मिनट का समय आप इसमें मड पैक में आप रख सकते हैं। तो इससे आपका
जो शरीर है, जो आपका जो पाचन तंत्र है, यानी कि पेट को ही, उदर को ही समस्त हमारे जो शरीर का जो संचालन है, मतलब जो हमारा जो मध्य प्रदेश इसको हम कहते हैं, तो सेंटर पॉइंट जो हमारे शरीर का होता है वो क्या है, नाभि, यानी कि पेट का जो स्थान है उसको ही हमारा मुख कहा गया है। तो इसलिए जो मड पैक है उसको हम इस मड पैक में हम गर्म मिट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो प्राय जो किया जाता है, जो मोस्ट प्रोबेबली जो किया जाता है, वो ठंडे पानी से भीगी हुई मिट्टी का प्रयोग ही हम करते हैं। इसमें मिट्टी आप देखेंगे कि बहुत साफ मिट्टी होनी चाहिए, किसी प्रकार का केमिकल उसमें ना हो, किसी या सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो, या उस तरह के खेत से आप लेके आएँ जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती आप करते हैं, किसी तरह का यूरिया DAP या किसी तरह का केमिकल उसमें ना पड़ा हो, या फिर यदि आपको, आपके पास ऐसी ज़मीन नहीं है, ऐसी उपजाऊ ज़मीन नहीं है जिसमें आप करते हैं इस तरह की खेती करते हैं, तो आप किसी पेड़, जो बरगद का पेड़ है, पीपल का जो पेड़ है, या कोई भी जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसके नीचे का जो हिस्सा होता है, उसके नीचे जो ज़मीन होती है, उसको ऊपरी सतह है उसकी हटाकर उसके नीचे जो मिट्टी होती है, 2 से 3 फीट के अंदर जितनी मिट्टी होती है, उसको आप इस काम के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, तो वो आपके समस्त उदर रोगों को समाप्त करने का कार्य करती है। इसके बाद हम देखेंगे पंक स्नान। पंक स्नान है, ये लुई कुने साहब जो हमारे रहे हैं, उन्होंने इसका उनको उन्होंने इसको ईजाद किया, और इसमें चित्र में आप देख पा रहे हैं कि अपने पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप इन युवतियों ने लगा रखा है। पूरे शरीर पे ये जो मिट्टी होती है, मिट्टी का जैसे कीचड़ जो होता है, कीचड़ बना लेते हैं उस मिट्टी का, कि उसमें पानी जैसे डाल के उसको इतना महीन बना लेते हैं कि वो पूरे शरीर पे उसका लेप लग जाए, और वो एक मलहम की तरह, मतलब मलहम की तरह वो लेप हमारे शरीर पे लगे, वो ज़्यादा ठोस भी ना हो और वो इतना पतला भी ना हो कि वो हमारे शरीर पे रुक ही ना पाए। तो उसमें आप देखो, आप देख पा रहे हैं चित्र में कि समस्त बालों पे उन्होंने लगा रखा है, अपने समस्त चेहरे पे उन्होंने मिट्टी को लगा रखा है, और पूरे बाकी के भी पूरे शरीर पे उन्होंने इस अपने पंख स्नान को लगा रखा है। पंख स्नान करते हुए मिट्टी का लेप उन्होंने पूरे शरीर पे लगा रखा है। इससे भी जो आपका जो पूरी बॉडी की जो चिकित्सा है वो बहुत अच्छी होती है, और पूरी बॉडी से जो डिटॉक्सिंस आपके हैं, विजातीय तत्व जो हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं, मिट्टी उनको खींचने का कार्य करती है। और ये पंख स्नान जैसे ही आप करते हैं तो 20 से 25 मिनट के बाद आपका जो शरीर है, मिट्टी है, वो सूखना प्रारंभ कर देती है, यानी कि उस गर्मी जो भीतर से उसको मिल रही है उससे वो सूखने का कार्य करती रहती है। तो उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद आप दूसरा लेप इसमें आप लगा सकते हैं, दूसरा लेप भी इसी प्रकार आप लगाएं, तो 2 से 3 लेप आप लगाकर उसको फिर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान में वही ठंडे पानी से आप स्नान कर सकते हैं, और उस स्नान के बाद आप देखेंगे कि पूरी तरह से आपका जो शरीर है वो डिटॉक्सिंस मुक्त हो चुका है, यानी कि जो विजातीय तत्व हैं उनसे विमुक्त आपका शरीर हो चुका है। आप हल्कापन महसूस करेंगे, आपके जैसे बालों में आपने लगाई तो मिट्टी का जो प्राकृतिक जो गुण है वो ठंडक देना और उसको मुलायम करना, यानी कि आपके बालों को बहुत मुलायम और चिकना मिट्टी करती है, आपके बालों में चमक मिट्टी के स्नान से आती है। तो आप मिट्टी से स्नान से, जैसे पुराने समय में या आधुनिक समय भी में भी हम देखें, अब भी गांव में प्रचलन है कि मुल्तानी मिट्टी से वो महिलाएं अपना सिर धोती हैं, या मुल्तानी मिट्टी का जो पाउडर होता है उसको बारीक कूट के मुल्तानी मिट्टी को, और वो एक पात्र में भिगोकर उसको बारीक कर लेती हैं, यानी कि उसके बिल्कुल छोटे छोटे जो गुण होते हैं वो बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाते हैं, महीन उसको करके और अपने फेस पे लगाती हैं। फेस पे लगाने से फेस पैक भी, मतलब यानी कि सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। तो मुल्तानी मिट्टी भी मिट्टी चिकित्सा के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार आप अपने चेहरे की सुंदरता जो है वो बढ़ा सकते हैं मिट्टी चिकित्सा से, आप अपने बालों की सुंदरता बढ़ा सकते हैं मिट्टी चिकित्सा से, आप अपने बालों को टूटना, झड़ना और इस प्रकार के ऐसे में जो सफ़ेद होने वाले जो प्रॉब्लम है वो आप उनको हटा सकते हैं। और इसी प्रकार से आप अपने पूरे शरीर पर मिट्टी का जब लेप करते हैं तो समस्त शरीर के विजातीय तत्व आपके निकलते हैं, रोम रोम जो आपका है उसमें, उससे मिट्टी अपने जो चिकित्सीय गुण है वो आपके शरीर के भीतर भरती है, और रोम रोम से ही आपके जो शरीर के जो विजातीय तत्व हैं, जो डिटॉक्सिंस आपके भीतर जो भरे हुए हैं, उनको खींचने का जो कार्य है वो मिट्टी करती है। और मिट्टी धैर्यशील है और धारण करती है, ये आपके विजातीय तत्वों को धारण करके आपको आरोग्यता प्रदान करने का कार्य करती है। तो मिट्टी जो चिकित्सा है वो सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा हम इसमें कहेंगे, और मिट्टी के जो गुण हैं वो सर्वविदित हैं। तो इस प्रकार से आप अपने दैनिक जीवन में मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं,
और किस प्रकार की मिट्टी हो वो भी हमने आपको व्याख्यान में बताया कि किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करके हम निरंतर अपने आरोग्यता लाभ ले सकते हैं, यानी कि रोगों से मुक्त हम दिन प्रतिदिन हो सकते हैं, और किस प्रकार से छोटे मोटे जो कार्य हमारे दिन प्रतिदिन होते हैं, छोटे मोटे जो रोग हमारे शरीर में होते हैं, उनको किस प्रकार से हम मिट्टी चिकित्सा द्वारा दूर कर सकते हैं, इसकी हमने चर्चा की। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम आकाश तत्व चिकित्सा की, कि आकाश तत्व चिकित्सा में किन किन चीज़ों को हमने रखा। तो आकाश क्या है इसके विषय में हम एक बात करते हैं कि आकाश वो है जो हमारे साउंड को सर्कुलेट करता है। मैं जो बोल रहा हूँ आप जो सुन पा रहे हैं वो आकाश तत्व का ही परिणाम है, आकाश तत्व के कारण ही हम सुन पा रहे हैं। तो उसमें आकाश का अर्थ है कि स्पेस, यानी कि जो हमारे मध्य जो स्थान है, मेरे दोनों हाथों के मध्य जो स्थान है वो क्या है, वो आकाश है। मेरे ऊपर जो स्थान है वो क्या है, आकाश है। मेरे नीचे जो स्थान है वो क्या है, आकाश है। यानी कि स्पेस, यानी कि जो जगह होती है खाली, उसको हम क्या कहेंगे, आकाश। हमारे पूरे जो ब्रह्मांड है, जो पूरे आकाश जो तत्व है, वो प्रमुख इसलिए भी माना जाता है कि उस आकाश तत्व के अंतर्गत ही बाकी के जो चारों तत्व हैं, हमारे मिट्टी है, जल है, वायु है और अग्नि है, वो सभी जो तत्व हैं वो आकाश के अंदर समाहित हैं, निहित हैं। तो इसलिए इस जो चिकित्सा पद्धति का जो जो इम्पोर्टेंस है, जो उपयोगिता है, वो और भी बढ़ जाती है, और भी उपयोगी इसमें हो जाती है। तो आकाश तत्व के अंदर जब हम रखते हैं कि किस प्रकार की चिकित्सा हम रखें, तो आकाश तत्व के अंदर हमने मुख्य रूप से उपवास को हमने रखा है कि उपवास क्या है, उपवास आवश्यक क्यों है, और उपवास के क्या क्या प्रकार हैं, और वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं आकाश तत्व को। तो जो हमारे शरीर में जो स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसको हम खाने से भरते हैं, अपना जो डाइट है, जो आहार हम नित्य प्रति लेते हैं, तो उस स्पेस को भरने का जो कार्य हम करते हैं। तो सबसे उपयुक्त जो आकाश तत्व की जो चिकित्सा है वो उपवास के द्वारा ही संभव है। उपवास चिकित्सा के द्वारा, उपवास चिकित्सा के माध्यम से, उपवास चिकित्सा करके हम आकाश तत्व को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, उसकी न्यूनता या अधिकता को हम बैलेंस्ड कर सकते हैं, उसको सम कर सकते हैं, उसका करने का कार्य हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उपवास क्या है। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें हम देखेंगे उपवास क्या है। उपवास मुख्य रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का अंग है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं या आहार कोई ग्रहण करते हैं, उस आहार को यदि हम निषेध उसका कर देते हैं, यानी कि आहार लेने से हम अपने आप को रोक लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उपवास वो कहलाता है। यानी कि जो नित्य प्रति हम आहार हमारे शरीर में ले रहे हैं, भर रहे हैं, उसको रोक देना ही उपवास कहलाता है। और उपवास जो चिकित्सा है उसकी जो सारगर्भितता है, उसकी जो प्रामाणिकता है, वो स्वयं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी उसकी चिकित्सा पद्धति को सर्वोपरि माना है। किसी उनके एक भक्त ने कहा कि जब भी आप किसी दुर्लभ चीज़ से या परेशान हो जाते हो या किसी अत्यंत परेशानी में यदि आप होते हैं तो आप उपवास करने क्यों बैठ जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने सबसे अच्छा उनको सुझाव दिया, उनको जो उत्तर है उनके प्रश्न का वो दिया कि ये जो हमारे जो मनुष्य हैं, मनुष्य के पास सबसे जो प्रबल जो हथियार होता है वो अहिंसा का होता है, और उपवास से अच्छी अहिंसा हो ही नहीं सकती, और उपवास से अच्छा जो तरीका है हमारे शरीर के डिटॉक्सिन्स को निकालने का, हमारे शरीर के जो विजातीय तत्वों को बाहर निकालने का, या हमारे तामसिक जो प्रवृत्तियां हैं उनको बाहर निकालने का, या राजसिक प्रवृत्तियां जो हमारे शरीर में विद्यमान होती उनको बाहर निकालने का जो सबसे सशक्त जो माध्यम है वो क्या है, उपवास ही है। तो महात्मा गांधी ने भी इसकी प्रामाणिकता को माना है, और उन्होंने बहुत सारे उपवास उन्होंने किए हैं, बहुत सारे विरोध प्रदर्शनों में उन्होंने उपवास का सहारा लिया है। आज आधुनिक युग में भी हम देखते हैं तो बहुत सारे जब भी कोई कार्य होता है तो लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं, लेकिन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि एक चिकित्सा पद्धति है, और इस चिकित्सा पद्धति से किस प्रकार से हम लाभ उठा सकते हैं, किस प्रकार से इस प्रकार इनको करके हम अपने जीवन में इसकी उपयोगिता को समाहित कर सकते हैं। तो उपवास क्या है ये मैंने आपको अभी बताया। उपवास आवश्यक क्यों है, क्योंकि नित्य प्रति जब हम आहार खाते हैं, आहार लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर का पाचन तंत्र निरंतर कार्य करता है, उसको किसी प्रकार का रेस्ट या यानी कि आराम उसको नहीं मिल पाता है, उसको आराम जो देने का जो कार्य है वो उपवास द्वारा किया जाता है। और कहते हैं किसी भी कार्य को करते हैं तो किसी भी मशीनरी को, किसी भी शरीर के अंग को हम रेस्ट देते हैं, यानी कि उसको आराम की स्थिति हम देते हैं, तो वो किस माध्यम से दिया जा सकता है, वो केवल उपवास के माध्यम से ही
दिया जा सकता है। तो उपवास इसलिए भी आवश्यक है और समस्त रोगों को, यानी कि जब आप उपवास कर रहे होते हैं, जिस समय आप उपवास कर रहे होते हैं, तो आपके पूरे शरीर की जो ताकत है, पूरे शरीर की जो एनर्जी है, पूरे शरीर का जो सामर्थ्य है, वो पूरे रोगों को दूर भगाने में ही निरंतर कार्य रहता है, निरंतर कार्यरत रहता है। और आपकी समस्त इंद्रियां, समस्त जो आपका जो आपका जो शरीर की जो संरचना है, सारे सिस्टम जितने भी हैं, जितने भी तंत्र आपके शरीर में है, वो पूरा का पूरा रोगों को भगाने में ही कार्य कर रहा होता है। क्योंकि किसी प्रकार का डाइजेस्टिव यानी कि पाचन का तो आप काम कर ही नहीं रहे, तो उस अवस्था में आपके पूरे शरीर से रोग का जो कारण है, जो डिटॉक्सिन्स हैं, जो विजातीय तत्व हैं, उनको भगाने का कार्य निरंतर रूप से किया जाता है। और मुख्य रूप से यदि हम देखें तो उपवास जो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का एक मार्ग है। आपको आध्यात्मिक मार्ग में प्रशस्त करने का जो कार्य करता है वो उपवास करता है। उपवास के दौरान आपकी जो बुद्धि होती है, उसका जो गुण होता है वो सात्विक होता है। किसी प्रकार का राजसिक गुण आप के अंदर भीतर नहीं होता, किसी प्रकार का तामसिक गुण भी आपके भीतर नहीं होता। केवल जो आपकी बुद्धि है, जो आपका जो चित्त है, वो निर्मल हो जाता है, वो केवल सत्वगुण प्रधान वो रहता है। उस अवस्था में आप निरंतर अग्रसर रहते हैं आध्यात्मिक मार्ग में, तो आप परमात्मा के सबसे निकट यदि जाने का कोई कार्य है, जो कोई विधि है, वो क्या है? उपवास वो विधि है। तो इसलिए सबसे आवश्यक आज हमारे जीवन में उपवास की आवश्यकता है। बहुत सारी जहरीली दवाई ना खाकर हम अपने रोगों को किस प्रकार खत्म कर सकते हैं? उपवास करके। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि उपवास चिकित्सा किस प्रकार और ज़्यादा उपयोगी है, कि जब हमारे पशु बीमार होते हैं, कोई भी पशु बीमार होता है, तो उसके आप आगे उसका चारा आप डालते हैं, वो चारा खाना तो दूर उसकी तरफ देखता भी नहीं कभी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बीमारी में आहार खाना, आहार लेना, आहार आपको और भी ज़्यादा बीमार आपको करेगा। तो इसलिए जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, आप देखेंगे कि जब भी वो बीमार होते हैं किसी कारण से, तो वो आहार बिल्कुल भी नहीं खाते। हम लाखों कोशिशें करते हैं लेकिन वो किसी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करते। लेकिन मनुष्य ही ऐसी जाति है जो बीमार होने पर भी खाने की लालसा जिसके भीतर रहती है कि मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ। या हमारे जो शुभचिंतक होते हैं, जो हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं, वो भी कोशिश यही करते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए। तो वो वीकनेस तो एक बार आती है, कमजोरी आती है, लेकिन वो रोग को भगाने के लिए सबसे उत्तम जो कार्य है वो उपवास का ही है। तो उस समय पे आपको उपवास का पालन करना चाहिए, और उपवास का पालन बहुत धैर्य के साथ किया जाता है। उपवास के दौरान आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन वो सामान्यतः दूर हो सकती हैं। लेकिन आप अच्छे से यदि उपवास करते हैं, उपवास की विधि को सही समझ के करते हैं, उपवास के विभिन्न तरीकों को आप अपनाते हैं, तो आप समस्त रोगों को दूर भगा सकते हैं, आप समस्त रोगों से निजात पा सकते हैं, मुक्ति आप पा सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे उपवास के प्रकारों की, कि उपवास के क्या प्रकार हैं। तो उपवास के प्रकार में हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि उपवास के प्रकार, यानी कि रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, मठोपवास और पूर्णोपवास। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे उपवास होते हैं, जैसे प्रातःकालीन का हम उपवास करते हैं, या फिर हम सायंकालीन का हम उपवास करते हैं, या एक ही आहार पर रह के हम उपवास करते हैं, या दीर्घकाल का हम उपवास करते हैं, और भी कई तरह के उपवास इसमें वर्णन किया गया। लेकिन मुख्यतः हम यहाँ पे इन ही उपवासों की हम चर्चा करेंगे कि इन उपवासों द्वारा किस प्रकार से हम इन उपवासों को कर सकते हैं, क्या इनकी विधि है, किस प्रकार से हम सावधानी हम इसमें रख सकते हैं, और किस प्रकार के लाभ हमारे को प्राप्त होंगे, और किस प्रकार हम उपवास को खोलें या किस प्रकार हम अपने उपवास को तोड़ें, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमारे मध्य है। कि उपवास करना जितना सुनिश्चित हम कर दें कि उपवास करना जितना सावधानीपूर्वक कार्य है किया जाता है, उतना ही सावधानीपूर्वक हम उसको उपवास को खोलने का कार्य भी उतनी ही सावधानी से हम करें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमारे बीच होनी चाहिए। तो सबसे पहले रसोपवास की हम बात करते हैं। तो रसोपवास में क्या, किन किन चीज़ों को समाहित किया गया, किन किन चीज़ों को रखा गया है, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो रसोपवास, जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है कि रस, यानी कि जब उपवास के दौरान हम उपवास के समय पर हम रस के ऊपर आधारित हमारा उपवास होता है,
जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे मौसमी है, संतरा है, इस तरह के जो फल हैं, जो रसदार जो फल हैं, उनका रस निकाल कर हम पी सकते हैं, नींबू पानी हम उसमें पी सकते हैं, या फिर जैसे सब्जियां होती हैं, जैसे सूप होता है उनका, जैसे टमाटो सूप होता है, या फिर और तरह की जितनी भी सब्जियां हमारी होती हैं उनके सूप को भी हम इसमें पी सकते हैं। तो केवल इस दौरान, इस समय पे केवल हम रसोपवास अर्थात केवल रस का पान ही हम करते हैं। तो इस उपवास को आप 2-3 दिन भी आप कर सकते हैं, या आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, तो आपका पूरी बॉडी का जो बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस है वो इसके दौरान होता रहता है। तो रसोपवास में केवल रसों के ऊपर आधारित जो उपवास है, यानी कि बाकी सारी जो वस्तुएं हैं उनका, जो खाद्य वस्तुएं हैं, जो आहार हैं, उसका सर्वथा त्याग आप करते हैं, उसको कहेंगे रसो उपवास। उसके बाद फलोपवास की हम बात करते हैं। तो फलोपवास में, जैसा कि नाम से ही आपको विदित होता है कि फलों के ऊपर आधारित जो उपवास है, यानी कि उसमें आप केवल फल खा के ही अपने उपवास का पालन करते हैं, किसी प्रकार की अन्य खाद्य सामग्री आप उसमें प्रयोग नहीं करते हैं, उसको हम फलोपवास कहते हैं। यानी कि फलों के ऊपर आधारित जो हमारा उपवास है उसको हम फलोपवास कहेंगे। तो उसमें भी जो एक सावधानी जो रखने वाले जो बात है, जो विषय है, वो ये है कि एक समय पे केवल एक ही प्रकार के फल हम प्रयोग करें, जैसे कि खट्टा और जो मीठा जो फल होता है उन दोनों को एक साथ प्रयोग हम उपवास में बिल्कुल भी ना करें, वो एक दूसरे के विरोधी गुण होते हैं, तो वो हमारे शरीर को उस समय पर नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि उपवास में केवल, फलोपवास में केवल आप एक ही फल का प्रयोग करेंगे, एक ही फल का एक समय पे आप प्रयोग करेंगे, तो आप फलोपवास में आपको जो है लाभ, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इसके बाद दुग्धोपवास हम बात करते हैं, यानी कि ये भी नाम से ही आपको विदित होता है कि जो दूध पीकर ही, यानी कि दूध के ऊपर जो आधारित जो उपवास हमारा होता है उसको हम दुग्धोपवास कहेंगे। यानी कि पूरे दिन में हम थोड़ा थोड़ा करके 2-4 बार या 5 बार हम केवल दूध पीते हैं और दूध के अलावा हम कुछ नहीं खाते। लेकिन आपको बता दें कि दूध भी जो है कि वो पूर्ण आहार है, दूध के अंदर भी वो सारी चीज़ें विद्यमान होती हैं जो एक पूर्ण आहार में विद्यमान होती हैं। तो इस प्रकार दूध के ऊपर आप उपवास को आप रख सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे दुग्धोपवास। उसके बाद मठोपवास, यानी कि जिनकी जो पाचन तंत्र है, जिनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, यानी कि पाचन तंत्र जिन व्यक्तियों का कमज़ोर है और वो चीज़ों को अच्छे से पचा नहीं पाते, आहार को अच्छे से पचा नहीं पाते, वो दुग्ध उपवास की जगह वो मठोपवास, यानी कि जो जिसको हम लस्सी भी हम कहते हैं उसके ऊपर, यानी कि जैसे गाय के दूध की जो लस्सी बनती है उसके ऊपर हम आधारित ये चिकित्सा पद्धति है, उसको हम बोलेंगे मठोपवास। यानी कि लस्सी के ऊपर भी हम रह सकते हैं, पूरे दिन में आप छाछ को पी सकते हैं, जिसको हम छाछ भी कहते हैं सामान्य भाषा में, तो छाछ पीकर पूरे दिन भी आप उपवास को रख सकते हैं। इसके बाद आता है पूर्णोपवास, अर्थात इस जो पूर्ण उपवास है, यानी कि पूर्ण उपवास, किसी प्रकार की खाद्य सामग्री आप इसमें प्रयोग नहीं करते, किसी प्रकार का फलों का या सब्जियों का रस आप प्रयोग नहीं करते, किसी प्रकार के फल को आप प्रयोग नहीं करते, किसी प्रकार का दूध आप प्रयोग नहीं कर सकते, किसी प्रकार का छाछ आप प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि पूर्ण रूप से साफ और शुद्ध जो जल के ऊपर आधारित जो उपवास होता है उसको कहते हैं पूर्णोपवास। ये उपवास बहुत उपयोगी है और बहुत पूरी शरीर को शुद्ध करने का कार्य ये उपवास करता है, और बहुत सारे रोगों में इसको किया जाता है। जब पूर्णोपवास किया जाता है तो पूरे दिन 8-10 लीटर कम से कम आप पानी पियेंगे, 8-10 लीटर पानी पीना उसमें अति आवश्यक है, तभी आपकी पूरी जो बॉडी का जो क्लींजिंग है वो धीरे धीरे हो पाएगी। तो इस प्रकार आप पूर्णोपवास भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे दीर्घ उपवास भी होता है कि आप इस पूर्ण उपवास को लंबे समय तक करें, वो किसी विशेष प्रकार की व्याधि में, विशेष प्रकार के रोग में आप उसको अपना सकते हैं, विशेष प्रकार के रोग में आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो किसी अच्छे चिकित्सक की देखरेख में आप उसको पूर्ण दीर्घ उपवास को आप रख सकते हैं। और सामान्य तौर पे जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि प्रातःकालीन का जो उपवास होता है आप ब्रेकफास्ट को उसमें नहीं लेते, तो उस प्रकार का उपवास आप स्वयं कर सकते हैं, या फिर सायंकाल जैसे हमारी जठराग्नि बहुत मंद होती है, ज़्यादा कार्य हम शाम के समय नहीं कर पाते, तो डिनर को आप मिस कर सकते हैं, यानी कि जो रात का जो खाना है आप उसको नहीं खाएंगे तो रात का आपका उपवास हो जाएगा, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को उससे रेस्ट मिलेगा और उसकी पाचन तंत्र, पाचन जो शक्ति है वो बढ़ेगी। तो इस प्रकार का उपवास भी आप कर सकते हैं, एक आहार पर रह के भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उपवास क्या है,
आकाश तत्व की जो विद्यमानता है, आकाश तत्व की जो हमारे शरीर में जो उपयोगिता है उसको पूर्ण करने के लिए आहार उपवास चिकित्सा सबसे जरूरी है। और उपवास चिकित्सा द्वारा विभिन्न प्रकार के जटिल से जटिल और असाध्य से असाध्य और जीर्ण से जीर्ण रोगों से मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का इसलिए इसकी उपयोगिता वैसे भी बहुत बढ़ती है कि हम उपवास करें। और उपवास के प्रकारों में हमने जैसे प्रातःकालीन का उपवास, सायंकालीन का उपवास, एक आहार पर रहने का उपवास, या फिर रसोपवास, फलों पर रहने का उपवास, दूध पर रहने का उपवास, छाछ पे उपवास हम कर सकते हैं, और पूर्ण उपवास यानी कि समस्त खाद्य पदार्थों का परित्याग करके केवल शुद्ध जल पे आधारित जो उपवास है वो कर सकते हैं। उसको भी हम निरंतर साप्ताहिक भी उसको कर सकते हैं, दीर्घ काल तक हम उसको कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे चिकित्सक की देखरेख में ही हम उस उपवास को कर सकते हैं। अब विषय आता है कि जितना प्रमुख, जितना सावधानीपूर्वक उपवास करना होता है उतना ही उसको, उससे कहीं अधिक उपवास को खोलना यानी कि उपवास को तोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो प्राय हम क्या देखते हैं कि जब भी हमारे, जैसे हमारे धार्मिक जो फेस्टिवल हैं, जितने भी हमारे जो धर्म हैं, धर्म के अंदर भी ये सारे उपवास निहित हैं। हमारे जैसे हिंदू धर्म में नवरात्रों का विशेष स्थान आता है, अभी पीछे जन्माष्टमी का जो उत्सव आया था उसमें भी लोग उपवास रखते हैं, और विभिन्न प्रकार के महाशिवरात्रि का उपवास लोग रखते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ वो नहीं खाते। तो उपवास को हम एक तरह से धर्म से भी जोड़ के हम देख सकते हैं। जैन धर्म में भी उपवास की बहुत महत्ता होती है और विभिन्न प्रकार से उपवासों को वहाँ पे उपवासों का पालन किया जाता है, और अहिंसा के पालन में भी उपवासों की बहुत उपयोगिता है। इसी प्रकार जैसे इस्लाम धर्म में आप देखते हैं तो वो इस्लाम धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो रोजा रखते हैं, एक महीने तक कुछ नहीं खाते, पूरे दिन वो केवल पानी के ऊपर आधारित रहे, पानी भी नहीं पी पाते। तो इस प्रकार का वो इतना कठिन यानी कि दीर्घ काल का जो उपवास है, पूर्ण उपवास, वो भी दीर्घ काल तक वो निरंतर करते हैं। तो हमारे जितने भी धार्मिक जो पंथ हैं, जो संप्रदाय हैं, उनके भीतर भी हमारा जो उपवास चिकित्सा है उसको भली भांति उन्होंने उसके साथ जोड़ा है। तो इस प्रकार से हम उनका भी पालन करके हमारा धर्म और पंथ के अनुसार भी, मतानुसार भी हम अपने उपवास का पालन कर सकते हैं, और इससे हम चिकित्सीय लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि उसको खोलते कैसे हैं, उपवास को खोलना कैसे चाहिए। जैसे आपने रसोपवास है यानी कि रसों के ऊपर आपका आधारित जो उपवास है उसको आप फल खा के खोल सकते हैं। सबसे पहले रस के बाद आप फल की ही बारी आती है कि फल खा के आप उसको खोल सकते हैं। आप सीधा अन्न नहीं खाएंगे, सीधा खाना आप ना खा के उसको फल द्वारा खोलें। और जो फल का जो उपवास है वो आप दूध के द्वारा खोल सकते हैं, यानी कि दूध पीकर उस उपवास को आप समाप्त कर सकते हैं। दुग्ध जो उपवास है उसका, और जो पूर्ण उपवास दूध जो उपवास है उसको आप हल्का दलिया या खिचड़ी या जो जूस हैं या जो सब्जियां हैं वो खाकर आप उसको खोल सकते हैं। इसी प्रकार जो पूर्ण उपवास है यानी कि आप केवल पानी के ऊपर आधारित आपका उपवास है, केवल आपने पानी पीकर पूरे दिन उपवास किया है, तो उसको सबसे पहले हम रस के द्वारा खोलेंगे। जो हमारे जो फ्रूट्स हैं उनके जो नेचुरल, जो उनका प्राकृतिक जो रस होता है उसके द्वारा हम उसको खोलेंगे। उसके बाद फ्रूट्स को हम ले सकते हैं। उसके बाद जैसे आहार में यदि हम लेंगे तो उबला हुआ आहार यानी कि सब्जियां, पकी हुई सब्जियां, या फिर आप दलिया या खिचड़ी, इस प्रकार का जो भोजन है, जो मोटे अनाज का जो भोजन है वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उपवास चिकित्सा को का पालन करके विभिन्न रोगों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने प्राकृतिक चिकित्सा भाग वन में चर्चा की, इसके इतिहास की, और उसके बाद हमने जल तत्व चिकित्सा की चर्चा की, उसके बाद हमने मिट्टी तत्व चिकित्सा की हमने चर्चा की, और उसके बाद उपवास तत्व, उपवास की यानी कि आकाश तत्व की चिकित्सा हमने की। तो इस प्रकार आप अपने दैनिक जीवन में इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। आप इनको पालन करके, इनकी अनुष्ठान करके आप अपने दैनिक जीवन में रोगों को भगा सकते हैं, और आप अपने एक आरोग्यता से परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने व्याख्यान को सुना, और निरंतर आगे भी हम किसी इसी कड़ी में प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर आगामी अंक में भी हम व्याख्यान लेके आएंगे, जिससे आपको और अन्य चिकित्साओं पद्धतियों का भी हम आपको लाभ दे सकें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।
और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे सोमवीर आर्या जी का कि एक बार फिर से उन्होंने हमें लाभान्वित किया नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में ज्ञान देकर। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको आज का ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। आपकी कोई भी प्रतिक्रिया या प्रश्न है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी मेल आई डी है info.cc@nic.in। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और नेचुरोपैथी पर हम अगला भाग आप सभी के लिए पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।